दुकान पे निकलना है, मेरा फर्स्ट व्लॉग है, जो कि अभी ये देखेंगे, मैं अभी उठा हूँ, सब खिलाना वगैरह डाला हुआ है। तो बाकी चलते हैं दुकान की तरफ और जाके देखते हैं हमारा आखिर काम क्या करना है, मोबाइल ख़राब करने भी हैं कि नहीं करने, सही करने हैं, क्या करना, जो भी है। स्टार्ट करते हैं यार दुकान पे जाके, और अभी स्वागत तो करो हमारा। हमारे फर्स्ट व्लॉग में आपको खुश आमदीद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फर्स्ट करते हैं हम यार, ये पावर बैंक आया था सुबह सुबह ही एक पठान का, तो मैंने कहा इसको, इसका चार्जिंग बेस का इशू था, तो मैंने कहा इसका बेस चेंज कर देते हैं। तो ये इसका जो है ना बेस बहुत ही छोटा होता है और इसके तकरीबन बाल से बारीक पॉइंट होते हैं, वो लगाते हैं फटाफट से, फिर इसको चेक करते हैं इसका मसला हल हो जाता है कि नहीं, तो उसके बाद और भी बहुत से काम करने हैं। तो ये देखें, मैंने इसे खोलते वक्त ना इसकी ना वो एक वायर डैमेज हो गई है, जो वो पॉइंट इसकी लाइट के अंदर तक जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसकी वायर को जोड़ना मुश्किल बहुत ज़्यादा है, तो उसको एंड पे जोड़ेंगे। तो ये देखें, आपको साफ़ नज़र आ रही होगी ब्लैक वाली वायर उतरी हुई, तो ये मेरे से टूट गई है, लेकिन बाकियों की तरह मैं नहीं करूँगा कि ये पहले से टूटी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये मैं नया जैक लगाने लगा हूँ इसको, ये मैंने छोटा सा जैक होता है, देखो हथेली में नज़र आना मुश्किल से हो रहा है, तो हाँ अब नज़र आएगा आपको सही से। ये ठीक है, इसका मैंने लगाना है, इसको मैंने फ़िट करना है, तो मैं इसको जल्दी से फ़िट कर लेता हूँ, फिर इसको चेक करते हैं ये चार्जिंग होता भी है या नहीं होता, तो बाद में पता चलेगा। तो ये मैंने फ़िट कर लिया इसका चार्जिंग जैक इसमें, ये देखें बहुत मुश्किल से लगता है, इस पर 10-15 मिनट तो आम ही लग जाते हैं, तो शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने एक एक पॉइंट इसका जोड़ दिया है, तो अब इसको जो है ना, इसको जो है ना फिट करते हैं, और इसकी जो तार मैंने जोड़ लिया, ये देखें ये तार इसकी जोड़ ली है, तो अब इसको करते हैं जो इसका जो है बॉक्स होता है उसमें इसको करते हैं। उतनी देर ये कस्टमर आ गया एक चाचा, चाचे की बात सुनते हैं कि इसको क्या इशू आया। कितने दिन हो गए मसला कर रहा है ये? कितने दिन हो गए मसला कर रहा है ये? दो महीने हो गया। तो गए ये चाचा कह रहा है कि 2 महीने हो गए मसला कर रहा है, बैटरी का कोई इशू है इसमें, मैं वो चेक कर लेता हूँ, इसको फाइनल कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास भी कर कीपैड फ़ोन है, तो आपने इस तरह का वो जो बैटरी को आगे ना कार्बन आ जाता है, तो वो कार्बन को अच्छी तरीके से साफ़ करके ना, तो उसको मोबाइल में बाकी डाले, उसका बैटरी टाइम भी ठीक हो जाएगा और चार्ज भी सही से करेगा। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसमें 2 इशू आ रहे थे, वो दोनों मैंने सॉल्व कर दिए सिर्फ 1 या 2 मिनट में, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, नहीं। तो बाकी ये देखें ऑन हो गया, बाकी अभी मैं चाचू को पकड़ा देता हूँ उनका फ़ोन, तो उनको एक समझा देता हूँ बात। अलग ज़्यादा जो है ना चार्ज आपने नहीं करना, ओवर चार्ज नहीं करना, ठीक है? ओवर चार्जिंग की वजह से इशू आया, अभी जो जेन्युइन कंडीशन में आ गया इसका, जो ओरिजिनल बैटरी जिस तरह आपकी चल रही थी ना उस तरह आप चलेगी, ठीक है? आपने ओवर चार्ज नहीं लगाना, सारी रात चार्ज नहीं लगाना, इसकी वजह से कार्बन बन जाता है, जिसकी वजह से बैटरी टाइम कम निकालता है, ठीक है? बस ठीक है, ले जो, फ्री है, फ्री ले जाओ। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था। तो गाइस दूसरी तरफ ये जो पहले पावर बैंक कर रहे थे चार्जिंग पे, ये तो देखो इसकी लाइट जल रही है, इसका मतलब अभी ये चार्जिंग हो रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ये कह रहा है कि मैंने किसी को चेक करवाया मोबाइल, तो उसने मेरी LCD ख़राब कर ली और दुकान छोड़ के भाग गया है, अभी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने जाना है कहीं पर, तो इसीलिए अभी जो है ना इसको जल्दी से रिपेयर कर दो। मैं चेक करता हूँ इसको खोल के, इसकी स्क्रीन वाइट आ रही है, मैं देखता हूँ अगर रिपेयर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो इसकी चेंज करनी पड़ेगी, पुराना मॉडल हो चुका है, इसकी कहीं पर इससे अवेल नहीं होगी, तो बाकी जो है इसको चेक कर लेते हैं। बस ये इसकी LCD जो है स्टिप ब्रेक हुई है, वो रिपेयर नहीं हो सकती, तो इसकी नई ही LCD लगेगी, मैंने जो कि उनको बता दिया, वो कह रहे हैं ठीक है, अभी जब वो आएगा उसी को ही दिखाएंगे, जिससे ख़राब हुई है वही इसको रिपेयर करेगा। तो मैं इसको क्लोज़ करके इसको मोबाइल वापस करने लगा हूँ। तो अभी आते हैं वीवो की तरफ, वीवो का तो चार्जिंग पोर्ट ख़राब था, तो मैंने कहा इसको बाद में करते हैं, सुकून से करेंगे, है तो ये भी एक पीपा खटारा भोसड़ी वाला कंट्रोल। ये मैंने, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग। ऊपर से शो करवा रहा है टेम्परेचर इशू, अभी दोबारा इसको खोलना पड़ेगा,
फिर इसको करके रखता हूँ, अभी तक यही आ रहा है। चलो खैर इसको ऊपर जाइए भाई जान, ये है हमारी दुकान का व्यू और ये आ गया है स्टॉक मोबाइल का, मोबाइल फ़ोन्स और वगैरह वगैरह। और अभी अंदर का व्यू देखते हैं बाहर से, बाहर से व्यू देखते हैं। ये देखें ये टोटल मोबाइल आ चुके हैं और ये है शहरी भाई, तो ये टोटल सामान आ गया है। ये है शहरी भाई, शहरी भाई हाय कर दो यार। तो ये है यहाँ पे आपका भाई बैठता है, सीट है, चेयर है, यहाँ पे बैठता हूँ और मोबाइल को ख़राब करता हूँ, को ख़राब करता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सॉरी सही करता हूँ। तो इधर से ये हो गया है रिपेयर, इसको फिर क्लोज़ करना है, इसको बंद करना है। किट जितनी भी आ रही है लेने से गुरेज करें, इसमें इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो इसमें इशू जो स्टिप वगैरह जो है ना नॉर्मल सी लगी होती है, इसमें जैक का कंडीशन देखो पहले किस तरह जुगाड़ से चलाया हुआ है। तो इसका मैं फिर से जो है ना एक बार चेंज करता हूँ जैक, तो चेंज करने के बाद मिलते हैं कि हो ही जाए रिपेयर, कोशिश मेरी पूरी होगी। तो पर से ये जो है हो गया है, ओके हो गया है। और एक ये भी पड़ा हुआ है, ये है, ये भी रिपेयर करना है अभी। तो गाइस भी मिलते हैं अगली वीडियो में, तो टेक केयर और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो शेयर करिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।